ब्राउनी बनाने के लिए पैन को गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1/3 कप बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद 1/3 कप डालेंगे कोको पाउडर। 1/3 कप डालेंगे चीनी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गैस को बंद कर देना है और चीनी को अच्छे से घुलने तक मिक्स करना है। अब डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1 पिंच नमक, 1 पिंच भर के खाने का सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। मिक्स करेंगे। दूध डालेंगे 1/3 कप दूध और 2 चम्मच दूध डाला है। 1/2 कप दूध डाला है हमने पूरा इसमें। इसी में अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे इस तरह से। आप इसी तरह से इसे गैस पर एकदम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक बेक कर सकते हैं ढक्कन रख के। आप इसे माइक्रोवेव में भी 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है। 15 मिनट के बाद ब्राउनी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। 180 डिग्री पे हमने 15 मिनट के लिए इसे ओवन में बेक कर लिया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए मिल्क चॉकलेट लिया है 1/2 कप। अब जितना चॉकलेट है उससे आधा लेनी है हमें क्रीम। अब गैस को ऑन करेंगे। अब चॉकलेट को मेल्ट होने तक पकाएंगे। 1/2 टीस्पून बटर डालेंगे। चॉकलेट सॉस बनके तैयार है। अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसमें 1 चम्मच दूध मिला सकते हैं, और इसमें डार्क कलर चाहिए तो 1 चम्मच आप इसमें कोको पाउडर मिला सकते हैं। ये मिल्क चॉकलेट लिया था मैंने, आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। ब्राउनी ठंडी हो गई है और मैंने प्लेट पर डाल दी है। अब हम इस पर सॉस लगाएंगे। इस तरह से सॉस डाल के हम इस पर स्प्रेड करेंगे। चॉकलेट सॉस डाल दिया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ब्राउनी ठंडी होने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है और ऊपर से वाइट चॉकलेट और चेरी लगा दी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। सुवर्ण रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।